बिहार में विकास का दावा करने वाले लोग अब कहां बिल में घुसे हुए हैं। नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए सूचकांक में बिहार जो है काफी नीचे चला गया है, यानी फिसड्डी साबित हुआ है, और इसको लेकर बिहार में सियासत तेज है, विपक्ष के निशाने पर है नीतीश सरकार, और ऐसे में एक बार फिर से राजद ने जोरदार प्रहार किया है। राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने बड़ी बात कह दी है, क्या कुछ कहा पहले आप सुनिए। बिहार में विकास का दावा करने वाले लोग अब कहां बिल में घुसे हुए हैं। पिछले 16 वर्षों में इस डबल इंजन की एनडीए सरकार ने बिहार को फिसड्डी राज बना दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये राजद आयोग का रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार नीति आयोग की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि बिहार अंतिम पायदान में है विकास के मामले में। अब कहां बिल में घुस गए विकास की बात करने वाले लोग, आकर के मुंह खोलें। ये तो विपक्षी हम लोग लगातार 16 वर्षों से कह रहे थे। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा के पटल पर बिंदुवार साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ बता दिया कि 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष में जो हमारे शासनकाल 15 वर्ष में हुआ था, उस इस एनडीए की 15 वर्ष के शासनकाल में गर्त में बिहार चला गया, इससे कई गुना बेहतर था हमारा 15 वर्षों का शासनकाल। अब जवाब दें, अभी तक तो विपक्ष का मजाक उड़ा रहे थे, जो सवाल तेजस्वी यादव जी उठा रहे थे, आदरणीय लालू प्रसाद जी उठा रहे थे, सरकार को आईना दिखा रहे थे उनकी नाकामी पर, इस पर तो मुहर अब नीति आयोग ने लगा दिया कि जो बात हम लोग कह रहे हैं वो सही है। और नीति आयोग डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है और उसका रिपोर्ट है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी कहा है कि 16 वर्षों में अंतिम पायदान पर विकास को पहुंचाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, कम से कम अंतिम से फर्स्ट पर है, यही उपलब्धि है एनडीए की सरकार की। ये सरकार अब किसी कीमत पर बचने वाली नहीं है, एक बीजेपी के एमएलसी नहीं है, अब धीरे धीरे कई लोग जो सत्ता में माननीय विधायक हैं उनकी नाराजगी खुलकर आएगी। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पहले इस डबल इंजन की नकारा और निकम्मी सरकार से छुटकारा बिहार को मिल जाएगा और स्वतंत्र इस सरकार से स्वतंत्र हो जाएगी बिहार की जनता, नई सरकार बनेगी। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी ने सीधे तौर पे कह दिया कि कहां किस बिल में घुस गए हैं विकास का दावा करने वाले लोग। आज बिहार की हालात जो है वह बद से बदतर हो चुकी है। तो जिस तरीके से सूचकांक जो आया है उसमें स्थिति बहुत ही बेकार दिख रही है, बिहार की हालात बहुत ही खराब दिख रहे हैं। तमाम जो विकास की बातें कही जा रही थी सरकार की तरफ से, अब इसको लेकर विपक्ष जो है वह सरकार को घेरने में लगी हुई है। बड़े हेडलाइंस बिहार के साथ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।